सोना एक्सपेक्टेड नहीं था। इनफैक्ट सोनम डर जाती है जब वो देखती है कि माँ ने शायद सोनम और नित्यम का कॉन्वर्जेशन सुन लिया होगा, तो वो थोड़ी टेंशन में आ जाती कि ओ शिट मैं पकड़ी गई, अभी माँ मुझे फिर से, ऑलरेडी मैंने माँ को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया कि अभी ये बात भी वो पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। पर उनका रिएक्शन थोड़ा उल्टा आता है एंड वो मुझे कहती हैं कि तुमने ये जो कदम बढ़ाया है नित्यम जी की तरफ एक फ्रेश स्टार्ट करने का, तो ये एक बहुत अच्छी बात है और मुझे तुमसे यही एक्सपेक्टेड था। तो मैंने कहा कि चलो थैंक यू, इसका मतलब आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो कहती है हाँ हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो सोनम के लिए एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट है कि फाइनली माँ ने उसे माफ़ कर दिया। पर आगे से आई थिंक वो नहीं चाहती कि मैं ऐसा कोई भी गलत कदम उठाऊँ, बट सोनम तो सोनम है, तो पता नहीं सोनम क्या करेगी अब आगे। वो एक मिस्ट्री है वो सीन, हालांकि हमने कल कर लिया था शूट की दरवाजे के पीछे कौन है, बट हाँ एक ट्विस्ट है वहाँ पे भी कि जब वो दरवाजे की तरफ जाती है तो कोई होता है शख्स, उसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग हमें जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। कीप वॉचिंग आवर शो सावी की सवारी मंडे टू सैटरडे 6:30 PM ऑन कलर्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल।